और क्या कह रहे थे तुम उन जर्नलिस्ट को? कि औरतें अपनी गलियों इदारों में महफूज नहीं, अपने घरों में महफूज नहीं। सर आप बताएं इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपकी राय हमें चाहिए, आपकी राय क्या है? देखिए मेरी बात सुने, हम आखिर कब तक चुप रहेंगे बताइए, आप बताइए मुझे। हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस, गली मोहल्ले और ये हमारी इंडस्ट्री कहां महफूज है? हमारी और कहीं महफूज है? नहीं है महफूज। सर क्या आप सरे आम सलार अहमद को जो है कंडेम करते हैं? देखिए मैं हर उस आदमी को कंडेम करता हूँ जो औरत को अपनी जागीर समझता है। मेक दिस योर हेडलाइन फ्रंट पेज। मेरा यही मानना है, आखिर कब तक ये चलता रहेगा, कब तक होगा ये सब कुछ? हमें ही आगे बढ़ के आवाम की आवाज बनना पड़ेगा, वरना ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। हाँ कि देखें कोर्ट में उसके ऊपर केस चलना चाहिए, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सर अभी कोई जानता भी नहीं यहाँ हुआ क्या है। अजीब बात कर रही हैं आप, मतलब आपको लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है? कुछ तो हुआ है, कोई भी औरत ऐसे तो नहीं बोलेगी कुछ भी, समझ रहे हैं आप? लेकिन सर आप बता सकते हैं ये हादसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ है सर? सर प्लीज, आप लोगों के लिए चाय का इंतजाम है, आप लोग चाय पीजिए। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग हार्डलाइन विद मुदस्सिर। जी असफनिया साहब, पहले इसको बोले मेरे बीच में बात ना करें। सोनिया जी प्लीज आप लोग एक एक करके बात कीजिए। तो मैं बात क्यों ना करूं? अरे तो बात तो ना काटे ना मेरी। देखिए एक तरफ तो ये औरत के हुकूक की बात कर रहे, दूसरी तरफ ये औरत से ही कैसे बात कर रहे हैं। देखें हम लोग जो है मुद्दे से हट रहे हैं। अरे मुद्दे से कहाँ हट रहे हैं, हम तो इंसानियत के तमाम तर तकाजों से हट रहे हैं। मेरी भी माँ बहन है, मैं भी शौहर हूँ, मैं भी किसी का बेटा हूँ। औरत चाहे जिस भी तबके की हो, जिस भी शोबे से उसका ताल्लुक हो, उसका दर्द मैं अपना दर्द समझता हूँ। ठीक है जी, बैक टू द पॉइंट, क्या सालार खान को कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए? बिल्कुल, बुलाएं अपने शो पर, पूछें उनसे। पहम आप क्या एक्सपेक्ट करिए, जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है, जब वो कुछ नहीं कह रही तो जिन्होंने किया वो क्या कहेंगे? तो ये तो शराफत है ना उस लड़की की। मैं तो कहता हूँ कालिम एंड आस्क हिम फॉर द जस्टिफिकेशन। जो प्लीज आप उर्दू में बात कीजिए। हाँ तो नंबर दे मुझे सालार का, मैं उससे बात करता हूँ। हमारी इंडस्ट्री जो बड़ी मुश्किल से अभी अपने पैरों पर खड़ी हुई है, उसको किसने हक दिया है कि उसको बदनाम करे? अच्छा अब आप थोड़े ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं। खवातीन उस वक्त हुआ है जी ब्रेक का, ब्रेक पर जाइए, ब्रेक से वापस आइए। आप देख रहे हैं हार्ड लाइन विद मुद्दस्सिर। बहुत अच्छा बोलती हैं आप। कपड़े नहीं है क्या तुम्हारे पास? किस चीज की कमी है? पार्टी में मेरी बीवी का मुलाजमा ज्यादा लगती है। जानबूझ के करती है ना ये सब? मुलाजिम है तो हूं मैं तुम्हारी, तुम्हारे रिमोट कंट्रोल से चलने वाले, अपने साथ चलता फिरता डेकोरेशन पीस ही तो चाहिए था तुम। और क्या कह रहे थे तुम उन जर्नलिस्ट को? कि औरतें अपनी गलियों इदारों में महफूज नहीं, अपने घरों में महफूज नहीं। तुम्हारे घर में महफूज? बहुत बोलने लगी है तू। बच्चा छोटा है तेरा, लाश नहीं देख पाएगा तेरी। तुम्हारी लाश तो वो रोज देखता है, मेरी भी देख ले। और तुम्हें क्या लगता है तुम जिंदा हो? हद में रहे अपनी, वार्न कर रहा हूं,
देखिए ग्रे पीर और मंगल रात 9 बजे क्योंकि मैं ग्रीन हूं।